आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूँ सरता। चलिए खबर की ओर। धनबाद के लोकप्रिय सांसद पीएन सिंह का पुतला दहन किया गया धनबाद के भुली मोड़ में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भुली मोड़ में दुकानदारों ने पीएन सिंह के प्रति अपना गुस्सा दिखाया और उनका पुतला दहन किया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, दुकानदारों का दर्द सुनने कोई नहीं आया मौके पर, ना सांसद, ना विधायक, ना पूर्व मेयर, सिर्फ वन मैन आर्मी शमीम अख्तर आकर दुकानदारों का दर्द को सुना। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह गुस्सा दिख रहा है सांसद के प्रति। नेशनल टुडे लाइव आपको यह हकीकत दिखा रहा है। दुकान टूटने का दर्द क्या होता है ये आप भी हमसे बेहतर जानते हैं। सुने स्थानीय दुकानदार क्या कह रहे हैं। नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। रुका भी नहीं तो खैर, कहने मतलब ये भी नहीं रुकता तो करेगा ही, रेलवे का जो मसला है। लेकिन जो आश्वासन मिला था सांसद की तरफ से कि हम 15 दिन के लिए रुकवा देंगे, अगर वही रुकवा दिए होते तो शायद इतना नुकसान आज नहीं होता। ये लोग भरोसा करके रह गए कि हमारी बात सांसद महोदय से हो गई है। सब दुकानदार उनके पास गए थे, इसी वजह से ये लोग रुक गए कि भाई बात हो ही गई है तो चलो, हम लोग वक्त मिला है तो हम लोग वक्त के हिसाब से हम लोग फिर सेटल करेंगे, जो हटाना होगा हटा लेंगे। लेकिन अचानक बात होने के बाद भी एक बैग जैसे भी आया, पुलिस आई, प्रशासन आई और बिना कुछ कहे तोड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी नुकसान इन लोग को हुआ। इस नुकसान को देखते हुए जो लोग इसमें हैं, थोड़ा सा अपने सांसद साहब भी हैं, उनको थोड़ा सा आना चाहिए स्पोर्ट पर, देखें आके यहाँ क्या क्या नुकसान हुआ। सबके सांसद है, विधायक हैं, उन लोग को भी स्पोर्ट पे आना चाहिए, आके देखें क्या क्या तकलीफ है। कि हम लोग तोड़ मोड़ का मतलब अनाउंस किया गया शनिवार के दिन, संडे पड़ गया, जिसके चलते हम लोग मंडे को सुबह पीएन सिंह के यहाँ 8 बजे गए। उन्होंने आश्वासन दिया 15 तारीख के बाद तोड़ फोड़ होगा, ये रुक जाएगा, मैं रुकवाऊँगा। फिर हम लोगों ने 11 बजे किया, आश्वासन वही मिला कि 15 तारीख के बाद तोड़ फोड़ होगा, लेकिन आप लोग अपना अपना सामान हटा लीजिए। हम लोग आए, उसके बीच तुरंत वो जो है आया, दो को बुलडोजर अधिकारी, पुलिस प्रशासन सारे लोग आए, मजिस्ट्रेट वगैरह, इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। हमने कहा पीएन सिंह के पास हम लोग गए थे 15 तारीख के बाद की, उनको मिली है समय, उसके बाद तोड़ा फोड़ा जाए, सर हम लोग को टाइम दे दिया जाए, हम लोग अपना अपना सामान निकाल लेंगे, ध्वस्त कर देंगे। लेकिन बात नहीं मानी गई तो सांसद पहले आप हम लोग पीएन सिंह के पास गए थे, पीएन सिंह ने हम लोग आश्वासन दिया कि हम 15 तारीख के बाद टूटेगा, आप लोगों को टाइम मिलेगा, 15 तारीख तक टाइम मिलेगा, आप 1 घंटे बाद आइए। 1 घंटे बाद हम लोग गए सर, वहाँ जाने के बाद पीएन सिंह मोबाइल से बात किए, बोले आप लोगों को टाइम मिल गया है, जाइए 15 तारीख तक कुछ नहीं होगा, 16 तारीख के बाद अपना समझिएगा, आप लोग अपना सामान हटा लीजिए। हम लोग आए तो पीछे से बुलडोजर आ गया, जब पीएन सिंह के बस में नहीं था तो उनको साफ बोल देना चाहिए कि आप लोग जाइए अपना काम करिए, अपना सामान हटाइए, मेरे बस में नहीं है, हम उस लायक नहीं है जो आप लोग का मदद करें। क्या नाम है आपका? आज क्या ऐसा अहमद आजाद। जाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है 11 से बात हो गया है और आपको समय दे दिया गया, 15 तारीख के बाद आप लोग को जो है खाली कर दीजिए। वहाँ से आने के बाद आधा घंटा के बाद यहाँ JCB और RPF वाले पूरा फोर्स आ गए और आने के बाद उन्होंने अपना टोल पुल का काम स्टार्ट किया। तो यहाँ से फिर सांसद के पास कॉल लगाया गया, कॉल लगा के बोला गया तो बोला कि 2-4 दुकान छोड़ के लोग वापस चला जाएगा। तो सारे दुकानदार इसी बात से यहाँ पे वो लोग विश्वास के साथ आए थे वहाँ से कि तोड़ फोड़ नहीं किया जाएगा। तो सारे जितने भी यहाँ दुकानदार भाई हैं, सारे सामान वो लोग दुकान में ही था। बुलडोजर जब चलना स्टार्ट हुआ, उन लोगों ने 2 मिनट का भी वक्त नहीं दिया और सारे दुकान पे बुलडोजर चला दिया।